अपनात्मा कुछ दर्द बनाओ हृदय में, बहुत दिन हो गए आपने यहां भटकतों को, कुछ नहीं लेकर जाते, अंत में हाथ झाड़ कर जाते हो। कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। अब फिर क्या बताते हैं कि परे छिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे धर्मगुरु जो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते और करवाते हैं, क्या करते हैं कि पहले तो भाई इसका 13वीं करो, 17वीं करो, पहले इसके इसकी अस्थि उठाओ जहां फूंका गया है उस स्थान से, बची हुई जो अस्थियां नहीं जलती हैं उनको उठाओ और कहां गंगा में डाल कराओ दरिया में, और वहां पंडित जी पाओगे प्रत्येक क्षेत्र के न्यारे न्यारे भिन्न भिन्न, उनसे उनके द्वारा उसका क्रियाक्रम कराओ, तब मुक्ति होगी तुम्हारे माता पिता की या जो भी डेथ, जो भी डेड होता है, डेथ होती है जिसकी, तो वहां ले जाते हैं। फिर वो पंडित जी अपने जंतर मंत्र करके अस्थियों बहा देता है, 1100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 5 कपड़े दे दो, वो अलग से दक्षिणा देता है। उसके बाद क्या कहते हैं, 13वीं करो, और 13वीं भी कर दी। किस लिए? कि गति कराएंगे। अस्थि किस लिए जल प्रवाह करवाई? कि गति करा दी। फिर कहा कि इसके श्राद्ध निकालो, ये प्रेत बन गया, पिंड भराओ, पिंड भरा दिया। फिर कहें ये पितर बन गया, श्राद्ध करो, और श्राद्ध के समय क्या कहते हैं कि कौवे को ऊपर रख दो थोड़ा सा भोजन, तुम हो सकता तुम्हारा माता पिता कौवा बन गया हो और कौवा खा लेगा, भोग लग गया। अरे भले आदमी, या गति करण लगे थे, कौवा बनवा के छोड़ दिया। क्या बताते हैं, प्रेत छिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भर आई, बौर श्राद्ध खान को आए वो काग भये कलमाही। कहते फिर श्राद्ध खान खतरा के लिए आए, पहले तो पितर पिंड पिंड भी भरा दिए, सारा कुछ कर दिया, और फिर सर पितर बन गए। कहते श्राद्ध निकालो, और श्राद्ध के बाद कहते कौवा बन गए होंगे तेरे पिताजी, देखा भोग लगा गए ना, जब कौवा भोग कौवा बन गया और भोग लगा लिया उसने और श्राद्ध कंप्लीट हो गया, तो कौवा को तो रोज भूख लगती है, तो रोज निकाल लो वो श्राद्ध। अगर तुम्हें पक्का पता है आपके माता पिता कौवा बन गए, तो रोज डालो 2 रोटी छत पे, उनको तो डेली भूख लगती है कौवे को। कहने का भाव ये है परमात्मा कि तुम इन डुप्लीकेट संतों के द्वारा बताए गए भक्ति साधना करके अपना जीवन नाश करते हो और आपके पूर्वज करके चले गए, अब ये साधना कति बंद कर दो। जो दास आपको साधना बताता है वो क्या है, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। एक पंक्ति में निर्णय दे दिया कि जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, न तो अस्थि उठाने की आवश्यकता, ना पिंड भरवाने की आवश्यकता, ना 13वीं और वर्षी मनाने की आवश्यकता, एक सच्चे जाप की आवश्यकता है। इसके करने से कुछ भी नहीं होगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे और अमर लोग चले जाओगे, जहां जाने के बाद फिर लौट कर संसार में नहीं आते।